पश्चिम बंगाल के हावड़ा नगर निगम में बजट पर जारी बहस के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। बजट का विरोध करने पर टीएमसी के पार्षदों ने सीपीएम पार्षद अशरफ जावेद की पिटाई कर दी और धक्का देकर उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया। हंगामे के दौरान मेयर रथीन चक्रवर्ती भी सदन में मौजूद रहे। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने सत्ता संभालने के 10वें दिन ही विधानसभा में लोकायुक्त बिल पेश कर दिया है। कल संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बिल पेश किया। आज बिल पर चर्चा के बाद इसे पास किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी ने सरकार में पारदर्शिता के लिए बिल को जरूरी बताया है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं जो उन्होंने अलग अलग पुलिस थानों से लूटे थे। पुलिस का दावा है कि आतंकियों का एक ग्रुप 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था और इनका मकसद चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जा रहे सुरक्षा अधिकारियों की हत्या करना था। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात के दौरान एन वीरेन ने पीएम को राज्य की वित्तीय हालत और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। पीएम ने उन्हें राज्य के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद एन वीरेन की पीएम से पहली मुलाकात थी। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की सरेंडर करने की कोशिश नाकाम हो गई। हार्दिक पटेल कल अहमदाबाद के बीजेपी पार्षद परेश पटेल के घर पर तोड़फोड़ के मामले में सरेंडर करने क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने जांच अधिकारी के मौजूद नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी की अपील पर बिहार के छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज कुमार साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। महंगी गाड़ियों के शौकीन नीरज कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से सभी विधायकों और अधिकारियों के लिए हफ्ते में एक दिन साइकिल की सवारी करने का निर्देश जारी करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हफ्ते में एक दिन पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बोर्ड एग्जाम के दौरान सामने आ रहे सामूहिक नकल के मामलों पर चिंता जताई है। जावड़ेकर ने साफ किया है कि इस तरह के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और राज्यों के साथ चर्चा के बाद इसको लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में एक शादी समारोह के दौरान लोगों ने अनूठी मिसाल कायम की। दुल्हा दुल्हन समेत शादी में शामिल सभी मेहमानों ने देहदान के लिए आवेदन किया। समारोह में देहदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष तौर पर स्टॉल भी लगाया गया था। महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई है। एक सरकारी कंपनी की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक 2015-16 में 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने पहली से 8वीं क्लास के दौरान पढ़ाई छोड़ दी। रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार की ओर से वजह तलाशने की दलील दी जा रही है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में DRI ने सोने की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। आरोपी के पास से 16 किलो से ज्यादा वजन की सोने की छड़ें जब्त की गई है। सोने की बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए की है। सोने की छड़ें श्रीलंका से तस्करी कर लाई जा रही थी।